शशि देवी जगत कुल गौरव में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त हूँ। अच्छा शशि जी, आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी की तो बहुत गड़बड़ व्यवस्था है, टोंटी भी गंदगी में लगी है, जो इंडिया मार्क का नल है वो भी खराब चल रहा है, बच्चे को पानी की बहुत असुविधा होती है। पानी आता है बस एक बाल्टी पानी बाहर से मंगवा के रख लेते हैं, और बहुत दिक्कत है। क्या स्कूल में यहाँ पे ऊपर छत के ऊपर टंकी नहीं रखी है? नहीं, टंकी तो रखी थी लेकिन वो भी बर्बाद हो गई है, पानी वानी कुछ नहीं जाता उसमें। अच्छा अच्छा आपके यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल नहीं बनी है प्राथमिक विद्यालय जगत बिजकौरा में, तो इससे क्या कोई दिक्कत आपको होती है? इससे बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर जानवर आते हैं, बैठते हैं, सब गंदगी फैलाते हैं, जो वहाँ मतलब परिषद के लोग हैं आते हैं यहाँ पर, सारी गंदगी फैलाते हैं, तोड़ देते हैं, दीवार तोड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं, बहुत सारी गंदगियाँ हैं, जानवर तरह तरह के आते हैं, बैठते हैं यहाँ तक, मतलब बरामदे तक। बस यही दिक्कत है, यहाँ पर पानी की बहुत परेशानी है, सफाई नहीं है, यहाँ की छत इतनी जर्जरी है कि हम यहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं और मेरे ऊपर छत के जो अच्छा ये यहाँ पे गिर रही है, मतलब यहाँ पे लाइट वगैरह आती है? ये पंखा लाइट पंखा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब गड़बड़ है, पंखा वगैरह छत भी गिर रही है, लाइट पंखा की तो मारो गोली, देखो छत पूरी गिर रही है। तो यानी कि यहाँ पे लाइट की भी सुविधा नहीं है? हाँ, कोई सुविधा नहीं है। हाँ, ये जब जहाँ पर हम बैठे हैं, हमारा ऑफिस रूम है, यहाँ की छत इतनी जर्जर है कि हम यहाँ बैठे हैं कुर्सी पर, वो छत की जो मतलब ऊपर की सीमेंट है वो मेरे ऊपर झरझर के गिर रही है, आप देखिए ना ऊपर। बीएससी साहब, ये आपका एक प्राथमिक विद्यालय है जगतपुर भिजकौरा लालगंज के पास, थोड़ा बदहाल स्थिति में है जो है, काफ़ी समस्याएं हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? प्राथमिक विद्यालय जगतपुर बिचकौरा लालगंज का प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ मुख्य रूप से बाउंड्री वॉल नहीं है, तो हमारे जनपद में कायाकल्प योजना के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग से लगभग 450 स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में, टाइल्स और वहाँ खेल का मैदान, चार दीवारी, शौचालय, पेयजल के मतलब इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसी तरह से जिन विद्यालयों में शौचालय या चार दीवारी की समस्या है उसको कायाकल्प योजना के तहत 14वें वित्त आयोग के माध्यम से ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। कब तक उम्मीद है कि ये जो बाकी रह गए हैं विद्यालय? बाकी जो विद्यालय रह गए हैं, ग्राम पंचायतों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि सबसे पहले कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाए, तो उम्मीद है कि जल्दी ही इसका भी कायाकल्प हो जाएगा।